समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर छाया असमंजस अब दूर होता दिख रहा है। मथुरा में हुई रालोद की जनसभा में जयंत चौधरी ने कहा कि सपा और रालोद गठबंधन की सरकार बनने पर 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम होगा। यह बड़ी बात है क्योंकि अब तक जयंत चौधरी यही कह रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनने पर क्या क्या किया जाएगा, लेकिन अब उनकी बातों से लग रहा है कि गठबंधन में जो पेंच फंसा था वह निकल गया है और कभी भी घोषणा हो सकती है। अखिलेश यादव ने भी एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा है कि आरएलडी से उनका गठबंधन है, जबकि अब से पहले वे यही कहते आ रहे थे कि गठबंधन होगा। इसी के साथ सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि कितनी सीट लोकदल को मिलेंगी और वह कौन कौन सी होंगी। सपा रालोद के तमाम टिकट के दावेदारों की सांसें भी अटकी हुई है। निश्चित रूप से रालोद को किसान आंदोलन से सियासी संजीवनी तो मिली ही है, लेकिन मुस्लिम जाट समीकरण तभी जीत का फल दे सकता है जब सपा से गठबंधन होगा। अब तक कहा जा रहा था कि गठबंधन में पेंच फंसा हुआ है, लेकिन अब लग रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर रास्ता निकाल लिया गया है। हालांकि अब भी चर्चा है कि कई सीटों पर सिंबल रालोद का होगा लेकिन उम्मीदवार सपा का होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाजपा को चुनाव में शिकस्त देने के लिए हर समीकरण को मजबूत कर रहे हैं। सुभाषपा समेत कई छोटे दलों से गठबंधन हो ही चुका है। रालोद से गठबंधन होने से भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ी चुनौती मिल सकती है। अब सबकी नजर भाजपा की रणनीति पर भी है। फिलहाल तो भाजपा का पूरा ध्यान संगठन के ढीले पेचों को टाइट करने पर है। गठबंधन और भाजपा में से कौन भारी रहेगा यह तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन भाजपा पर मनोवैज्ञानिक दबाव तो काफी अधिक रहेगा ही। वहीं पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और पूर्व विधायक पंकज मलिक ने पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ दी थी और अब वह 29 अक्टूबर को सपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है तो सपा को पश्चिम में और मजबूती मिल सकती है, लेकिन सवाल यह है कि पंकज मलिक चुनाव कहां से लड़ेंगे, शामली से या चरथावल से। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि टिकट तय कर सपा में कोई भर्ती नहीं की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता सपा में आ रहे हैं और ऐसे में नए अधिकांश नेताओं को टिकट संभव नहीं है।